नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैंड जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि ट्रैवल बैग रेडी हो चुका है, मतलब आज का जो वीडियो है वो ट्रैवल वीडियो है। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं गिरिडीह नामक एक जगह पे। गिरिडीह झारखंड का एक जगह है, झारखंड का एक सिटी है। गिरिडीह का नाम गिरिडीह इसलिए पड़ा है कि वो पहाड़ों के बीच एक सिटी है। और हम जा रहे हैं कोलकाता गिरिडीह स्लिप एक्सप्रेस में। तो चलिए, ये ट्रैवल वीडियो मैंने सोचा क्यों ना, मैं काम के सिलसिले से जा रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवल वीडियो बनाया जाए, ट्रेन जर्नी वीडियो फिर से। तो चलिए उस वीडियो को एंजॉय करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोलकाता से गिरिडीह का डिस्टेंस लगभग 315 किलोमीटर है। 13131 स्लिप कोलकाता गिरिडीह एक्सप्रेस कोलकाता स्टेशन से गिरिडीह तक जाती है। ये ट्रेन आपको हर दिन मिलेगा। ये ट्रेन कोलकाता स्टेशन से रात 7:50 को छूटती है और अगले दिन सुबह 4:20 को पहुंचती है। कोलकाता स्टेशन से गिरिडीह के बीच नेहाटी जंक्शन, बंडेल जंक्शन, बर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, रानीगंज, आसानसोल जंक्शन, चित्तरंजन, जामतारा, मधुपुर जंक्शन, जगदीशपुर और महेश मुंडा स्टेशन गिरती है। इस ट्रेन में एक स्लीपर क्लास और एक 3AC कोच है। 3AC का टिकट प्राइस है 585 रुपीज और स्लीपर क्लास का 215 रुपीज। हमारा सफर कोलकाता स्टेशन से आरंभ हुआ। नैहाटी स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमने कोलकाता का फेमस झालमुड़ी ट्राई किया। तो दोस्तों, बंडेल जंक्शन में ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी 5 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकी हुई है। We'll be right back.
तो दोस्तों अब जो ट्रेन है वो वर्धमान में रुकी है। वर्धमान में ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। दोस्तों अभी हम आसनसोल स्टेशन में खड़े हैं और आसनसोल स्टेशन में ये ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। रात को हमने खाने में रोटी और आलू की सब्जी खाई। सोने के लिए कंबल, तकिया, एक टॉवल और चादर का बंदोबस्त किया गया था। इस ट्रेन का कूड़ेदान बहुत ही अच्छे कंडीशन में था, नल में पानी भी आ रहा था और भीतर वॉशरूम भी बिल्कुल साफ कंडीशन में थे। फिर हम जामतारा स्टेशन से गुजरे। मधुपुर जंक्शन पहुंचने के बाद ये ट्रेन का सफर 2 भागों में बढ़ जाता है। गिरिडीह के कोचेस पटना के कोचेस से अलग कर दिए जाते हैं और गिरिडीह वाला ट्रेन गिरिडीह के तरफ और पटना वाला झाझा क्यूल होते हुए पटना भेज दिया जाता है। पटना में ये ट्रेन अगले दिन सुबह 9:45 को पहुंचती है। यह कोच अलग करना और इंजन लगाने की प्रक्रिया करीब 1.5 घंटे तक चलती है। गिरिडीह जाते वक्त ये ट्रेन पहले जगदीशपुर में रुकती है, फिर महेश मुंडा में भी।
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 4:20 और हम गिरिडीह पहुंच चुके हैं। तो जो बताना था कि जो मधुपुर जंक्शन जब आया था वहाँ 1.5 घंटा करीब लगा, यहाँ जो 2 बर्थ है वो डिटैच हुए और गिरिडीह के साइड का लाइन में कनेक्ट हो गया ये, और बाकी का जो था जो पटना जाने वाला बोगीज, जितने बोगीज थे वो पटना के लाइन के तरफ चली गई, इसलिए 1.5 घंटा लगा। और ये ट्रेन 3:20 को चालू हुई और अब 4:20 बज रहा है और हम 4:20 को गिरिडीह पहुँचे। ऐसे ट्रैवल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए चैनल को चेक करें। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मानता हूँ वीडियो थोड़ा शॉर्ट था,